मुरली मनोहर राधिका कान्हा जमुना किनारे गयो नंदलाल रास रचे ब्रज का गोपाल हो रास रचे ब्रज का गोपाल मुरली मनोहर राधिका कान्हा जमुना किनारे गयो नंदलाल रास रचे ब्रज का गोपाल हो रास रचे ब्रज का गोपाल। Hey guys, welcome back to my channel. Hoy channel. तो जी हम आ गए हैं और अभी इतनी रात को हम रीडिंग एक कर रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगा जैसे आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। देखिए हम ज़्यादातर ऐसी एनर्जीज़ को ड्रॉन नहीं होते हैं लेकिन हमको ऐसा लगा कि शायद आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ ऐसा कहीं पर कुछ भी एक तरह से ना हमको ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी आपसे बात करना चाहते हैं। भगवान जी जिसको भी आप मानते हैं जिस किसी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि भगवान जी आपसे बात करना चाहते हैं। यानी खासकर आज ट्यूसडे है, हम मंदिर गए थे वहीं पर जब हम बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो हमको आज विजन में बहुत ज़्यादा हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। जब हम आज पाठ कर रहे थे ना तो बिल्कुल उनके अलग अलग रूप हमारे सामने आए, अलग अलग पिक्चर्स में हमने हनुमान जी को देखा अलग अलग, तो मतलब बहुत विजन में देखा ना, तो इसलिए हमने उसी वक्त हमने सोचा था तो कि हम रीडिंग करेंगे लेकिन थोड़ा लेट हो गए, कुछ काम था हमें, लेकिन हमने अपनी कमिटमेंट से हम मुकरे नहीं, हमको लगता है रीडिंग करनी है तो करनी है, तो इसलिए हम अभी आए हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हनुमान जी ठीक है, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, बट बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। हनुमान जी को आपसे बात करनी है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। और ये वीडियो सबको नहीं मिलेगी ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो क्लिक होता है और आपको दिखाई देता है तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा ठीक है। तो एक तरह से हम उनके मैसेजेस आपको देंगे कि हनुमान जी आपको अभी की सिचुएशन को लेके उनकी क्या इच्छा है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं अभी कि किसी भी सिचुएशन पे आप हो सकते हैं। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कलेक्टिव है, कोई पाइल नहीं है ठीक है, कुछ ना कुछ आपको जानने की आवश्यकता है इसलिए हम इस समय आए हैं ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी को आपसे क्या बात करनी है, हनुमान जी को आपसे क्या बात करनी है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, लेकिन एक तरह से हमको लगता है कि हनुमान जी को शॉर्ट में ही आपको बताना है ठीक है। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे एम्परर। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, हैंगमैन। ये एक्सपेक्टेड था, हमको पता था ये कार्ड आएगा, हैंगमैन, डेथ का कार्ड और हैंगमैन का कार्ड एक्सपेक्टेड था। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, डेथ के नीचे आया है ये, किंग ऑफ कप्स,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइनल कार्ड लेंगे हम एक लास्ट, ठीक है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग के लिए जो हनुमान जी बताना चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे, और व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, ठीक है। इतनी खुशी, वो भी दो दो बार, जस्टिस भी आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो अभी हनुमान जी आपको क्या बताना चाहते हैं वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम कार्ड्स थोड़े अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, टेबल पे अच्छे से, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ओके हनुमान जी, ठीक है, या जिस भी गॉड को आप मानते हैं, वो इस समय आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है, ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं ये पहले से तय थे, ठीक है, पहले से तय हैं। इसको वो कहना चाहते हैं कि बच्चों इसको रेजिस्ट मत करो, ठीक है, इसको अपनी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझो और उसको ज़रूरी मान के उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल है, अपनी पावर का कभी भी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं उठाना है। साथ ही साथ जो चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जिस भी सिचुएशनशिप में आप हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में जैसा भी सिनेरियो है, कुछ लोग हेल्थ से कुछ परेशान होंगे, कुछ लोग किसी करियर से कुछ डील कर रहे होंगे परेशानी, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेके एक दुविधा में पड़े होंगे, ठीक है, ये डेस्टाइंड है और इसी समय में ये चीज़ होनी है। ट्रांसफॉर्मेशन से भागिए मत, बदलाव से भागिए मत, परिवर्तन ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको आपकी सबसे बेहतरीन वर्जन से आपको मिलाने के लिए आपको इस प्रोसेस में डाला गया है, ठीक है। हनुमान जी ये कह रहे हैं अपने आप को इतना बेबस और लाचार मत समझो, क्योंकि तुम्हारे साथ हम इस समय मौजूद हैं। हैंग्ड मैन के साथ हायरोफेंट आया, कुछ साइंस हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। डेथ स्कॉर्पियो है, हैंग्ड मैन पाइसीज है, हायरोफेंट एरीज है और एम्परर एरीज है। अरे यार एरीज बहुत स्ट्रांग आया है, क्या बात है। ये आपके चार्ट्स में कहीं कहीं हो सकते हैं, और बाकी पेंटिकल्स, कप्स तो एक भी नहीं आया है, नहीं किंग ऑफ कप्स आया है, सोर्ड्स आया है, पेंटिकल्स आया है, वॉन्ड्स का कार्ड एक भी नहीं आया है, ठीक है। एक तरह से आपके अंदर ज़िंदगी को लेके जो पैशन होना चाहिए उस पर थोड़ी सी कमी आ रही है, आप कहीं कहीं पर रुक जाते हो, क्योंकि फायर एनर्जी यहाँ पे है ही नहीं। फायर का कार्ड एक भी नहीं आया है, बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। इस समय आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अपने हिसाब से मूव कर रही हैं, आपको लग रहा होगा कि रुकी हुई हैं, लेकिन रुकी नहीं हुई हैं, मूव कर रही हैं, लेकिन स्लो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूव नहीं कर रही है। आप अपनी उम्मीदों को क्यों बीच में छोड़ रहे हो? हनुमान जी क्लियर कट आपको बता रहे हैं कि आप जिस मिशन के लिए आपको भेजा गया है, आपका एक अर्थ पे एक मिशन है, आपको किसी काम के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए भेजा गया है। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं ये कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कर्मा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अपने आप को इन सब चीज़ों में उलझाइए मत, ठीक है। अपना फोकस जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे रखना है, अपना बैलेंस जो है वो डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जाएं इतनी स्ट्रांग है कि आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है। लेकिन
इस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग से चीज़ें खराब कर रहे हो। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि बच्चों, प्रिय बच्चों, ऐसा मत करो, अपने हार्ट को थोड़ा हील करो, थोड़ा समय लो, ठीक है, नेचर से कनेक्ट करो। आज दोपहर को भी ये रीडिंग आई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, कोई ना कोई मैसेजेस आपको वहाँ भी मिलेंगे। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपको आपकी सबसे बेस्ट वर्जन से मिलाने के लिए आपको इस टेस्ट में, इस आजमाइश में डाला गया है, और आपको इस आजमाइश से बाहर भी आना है, आपको इस आजमाइश में पास भी होना है। ट्रांसफॉर्मेशन से भागना छोड़ दीजिए, कोई भी बदलाव, कोई भी कंफर्ट जोन से अगर आपको निकलने में दिक्कत आ रही है, टेक अ पॉज, थोड़ा रुक जाइए, लेकिन उसको रेजिस्ट मत कीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है। लगातार 3 मेजर अरकाना आए हैं, ठीक है, ये बदलाव का टाइम है। अपने आप को इस एनर्जीज में, आप लटकने के बावजूद भी आपका माइंड एक्टिव है, उस पे भर भर के जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उस पे थोड़ा सा टाइम लेके उस पे सोचो, उस पे विचार विमर्श करो। 11-11 देखा, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप इस हायरोफेंट की एनर्जीज में आएंगे। और ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर आप जा रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, यानी आपका एक बहुत बड़ा मिशन है अर्थ पे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, इतनी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, ठीक है। हनुमान जी आपको ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जो चीज़ आपके लिए बनी है वो हर हाल में आपको मिलेगी, ठीक है। पेशेंस रखना सीखिए, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, परेशान नहीं होना है जब आपने हमारा हाथ थामा है। जब बजरंग बली बोल रहे हैं, जब आपने हमारा हाथ थामा हुआ है तो ये विश्वास डगमगाता क्यों है? कहाँ चला जाता है तुम्हारा विश्वास अचानक से? या तो तुमको हम पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, या शायद तुमको एक इनसिक्योरिटी होती है, तुम डर जाते हो। लेकिन वही डर पे तुमको जो है काबू पाना है, उस पे जीत हासिल करनी है, ठीक है। बजरंगबली आपसे कह रहे हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठने के लिए बने हैं, ठीक है। बजरंगबली आपको अपना भक्त देखते हैं, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए बने हैं, ऐसे लटकने के लिए आप इस दुनिया में नहीं आए हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हर वो इंसान गुजरेगा, और आपके ये जो कार्मिक लोग हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, इसको ब्रेक करने के लिए आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से हर हाल में गुजरना पड़ेगा। घबराना नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी है, वक्त वक्त पे आता रहेगा। इट्स जस्ट अ टेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अबाउट अ टाइम टाइम, तो मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और हमारे साथ होते हुए तुमको घबराने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये वक्त तुम आसानी से काट लोगे। ट्रांसफॉर्मेशन से भागो नहीं। एम्परर, आप इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब हम तुम्हारे साथ हैं, वो क्रिएट करने पे भी हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से और उस ट्रांसफॉर्मेशन से भागना छोड़ दो, ठीक है। स्टॉप बीइंग डिसेप्टिव, स्टॉप बीइंग स्नीकी, ठीक है। छुपने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं आप लोग, चोर नहीं हैं, ठीक है, आप लोग चोर नहीं हैं। तो ये चोरों के काम होते हैं जो छुप छुप के करता हो, जो अपने आप को छुपा लेता है। क्यों छुपना है? आपने ऐसा क्या किया है जिसके आपको छुपना पड़े, ठीक है। अपने आप को, आप लाइमलाइट में आने के लिए हैं, आपको दुनिया पूछेगी, ठीक है। आपको एक तरह से इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको अपने कर्मास को पूरी तरीके से बैलेंस करना है। बस हर चीज़ में, कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी थॉट एकदम से आपको क्लिक करता है, कोई भी चीज़ ट्रिगर करती है, कुछ भी गुस्सा आता है, अग्रेशन आता है, उसको फौरन अपने अंदर से निकाल दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर तो मतलब आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन पे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, नेगेटिव थॉट पैटर्न, कुछ भी आप रिपीट करे चले जा रहे हैं, बार बार उसी लूप में फंसे चले जा रहे हैं, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि ये आपका एक कार्मिक पैटर्न है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही जाएगा। आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन का बहुत शुभ समय है, और इस शुभ समय का बखूबी इस्तेमाल करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भागिए नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से परिवर्तन ज़िंदगी का हिस्सा है, परिवर्तन जीवन का, हर किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, तो इस परिवर्तन से भागिए नहीं, ठीक है। आप ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, बजरंगबली जोरों शोरों से कह रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में
आपका पूरा एक जीवन जो है वो इतना बदल देंगे कि आप अपने पुराने खुद के वजूद को आप भूल जाएंगे, पुराना अस्तित्व आपको याद नहीं आएगा जिसमें आप हमेशा रोते धोते रहते थे। लेकिन इस समय आपके आपको सिर्फ इतना करना है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर के शरण में जाइए, उनके सानिध्य में जाइए, शांति जहाँ पे सुकून मिल रहा है वहाँ पर जाइए। ज़िंदगी में हर किसी के क्योस है, बजरंगबली उससे मना नहीं कर रहे हैं, उनको पता है, वो आपसे कह रहे हैं कि पता है कि जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, हर चीज़ क्योटिक है, टर्बुलेंस बहुत है, लेकिन अपना समय लो बच्चा। वो आपको ये बोल रहे हैं कि तुम अपना समय लो, अपने आप को हील करो, ठीक है। मेडिटेशन की पोजिशन में आइए, आपके अंदर भर भर के प्रेम है, उस प्रेम को आप संसार में और लोगों में बांटिए। ये एक चमत्कार करेगा, ना सिर्फ आपके जीवन में बल्कि आपके आसपास के लोगों में भी आप प्रेम का संचार करेंगे। आप समझ रहे हैं बजरंगबली आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन पे कहीं पर भी आपको बहुत परेशानी हो रही है, उस सिचुएशन को अभी के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। उस सिचुएशन को अभी के लिए छोड़ दीजिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। किसी जॉब में स्टक है, किसी रिलेशनशिप में स्टक है, मत सोचिए, उसको थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए और सिर्फ आप देखिए कि आप क्या हैं, आपकी ऊर्जाएं कैसी हैं, क्योंकि आपके हृदय में भगवान बसते हैं। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि डरो नहीं बच्चा, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, जब भी पुकारोगे हम भागे भागे तुम्हारे पास आएंगे। एक बार पुकार के देखो, अपने दिल से पुकारो, हम तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। तुम्हारा तकदीर जो है वो बदलने वाला है, ठीक है। जस्टिस हम तुम्हें देंगे, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है। वो आ रहा है बच्चा, भले स्लो है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आ रहा है, वो आ रहा है। जस्टिस आपका आ रहा है, स्लो एनर्जीज है, ठीक है। आपके जीवन में बजरंगबली किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको आपकी तकलीफ़ों से निकालेंगे, काफ़ी आपको हील करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कनेक्शन में आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, डजंट हैव टू बी, लेकिन हो सकता है जो आपको आपकी तकलीफ़ों से बाहर निकालें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बजरंगबली ये कह रहे हैं कि अपने परिवार पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा। जिस सिचुएशन में जहाँ पर आपको स्टकनेस फील हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, थोड़े समय के लिए ब्रेक लीजिए, उस सिचुएशन को छोड़ के थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, रियलाइज़ कीजिए कि क्या चाहते हैं, क्या चाहिए आपको ऐसा ज़िंदगी में जो आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है। धीरे धीरे रियलाइजेशंस होंगे, लेकिन ये रीबर्थ का टाइम है। चीज़ें ख़त्म होने के बाद दोबारा से शुरू होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें पुनः आरंभ होने का समय है, ठीक है, लेकिन ये पुनः आरंभ आप लोग होने नहीं दे रहे हैं। बजरंगबली आपसे यही कह रहे हैं कि ये वो समय है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपकी अवेकनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है, ठीक है। जैसे ही आप एक एक सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको वो मानसिक शांति मिलेगी और आप ऐसे मुस्कुराएंगे क्या, आप ऐसे हंसेंगे, आपकी चकाचौंध से, आपकी मुस्कान से पूरी दुनिया हंसेगी, आपको देख के लोग हंसेंगे, उनको खुशी मिलेगी कि आप कितना आगे बढ़े हैं, ठीक है। आप अपनी लाइट से दूसरों को भी रोशन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऋतिक रोशन बन जाएंगे मजाक कर रहे हैं, देखिए। तो आपको ये बोला जा रहा है, बजरंगबली ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, हमको तो याद भी नहीं है कि हमने क्या क्या बोला है, एकदम मैसेजेस आते जा रहे थे और हम बोलते चले जा रहे थे। कुछ तो बताया है बजरंगबली ने, नहीं, हम अभी इस रीडिंग को देखेंगे अपलोड करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है, ठीक है। बजरंगबली कह रहे हैं, बच्चा अगर आप अपना पैशन कहीं पे छोड़ रहे हो, खासकर किसी जॉब की वजह से, किसी सिचुएशन, किसी रिलेशनशिप या हेल्थ की वजह से, तो वो मत करो। बजरंगबली कह रहे हैं वो मत करो, आपके सपने आपको आगे यहाँ पर लेके जाएंगे, आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, आप अपने पूरी फैमिली में बहुत कुछ बिल्ड करने के लिए आए हैं, और बजरंगबली आपको उसी
इस पोजीशन पे देखना चाहते हैं जब आपका खुद का थ्रोन होगा जिस पे आप बैठेंगे, और होता है ना एक ये देने के लिए, न्याय करने के लिए ऐसे बैठ के आप न्याय करेंगे, ठीक है। तो बजरंग बली आपको ऐसा देखते हैं कि आप हर किसी को फेयर जजमेंट दें, फेयर जस्टिस दें, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से भी तो फेयर होना पड़ेगा। आपके मन में जो इतने सारे नेगेटिव ख्याल और इतना सारा जो एक बजरंग बली कह रहे हैं कि आपके अंदर ना बहुत कचरा भरा हुआ है, उसको बाहर निकालिए। कचरा इन द सेंस वो बुरा ही है, क्योंकि वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। आपके अंदर का जो आत्मा है ना वो बहुत दर्द में है। उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए बजरंग बली कह रहे हैं नेचर से कनेक्ट कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ें सुनिए, ठीक है। जो चीज़ आपको सुकून देती है वैसा संगीत सुनिए, चाहे आपको पॉप म्यूज़िक सुनना है, रॉक म्यूज़िक सुनना है, गो अहेड। क्योंकि बजरंग बली यहाँ पर खुद आपको आज्ञा दे रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को, अपने अपने दिमाग में जो आइडियाज़ हैं उसको बाहर निकालो, ठीक है। वो आपको आगे जाके यहाँ पहुँचाएगा। एम्परर, अरे बहुत बेहतरीन मैसेज है भाई। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसी रीडिंग में एक ही बार में दोनों कार्ड आ गए, इतनी खुशी है। बताओ यार, बजरंग बली ने कितना अच्छा मैसेज दिया है। जिन लोगों को ये मैसेज मिलेगा आज, हैं, तो हम क्या ही बोले। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका टाइटल क्या रखें, क्योंकि होता है ना कि आपको पता है ना कि लोग रिझाने वाला अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, लेकिन हम क्या लिखें हमें समझ में नहीं आ रहा। बजरंग बली मैसेज लिख देंगे, बजरंग बली मैसेज, कलेक्टिव जनरल है, बजरंग बली मैसेज है। बजरंग बली की तस्वीर है हमारे सामने लगी हुई है, और आपको तो पता है कि हमने वो तितलियाँ अपनी जलाई हुई हैं, इसलिए हम ऐसे अंधेरे में आए हैं रूम में। आपको पीछे का बैकग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्योंकि यहाँ पर लाइट जल रहा है, आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये यहाँ पर, यहाँ पे बजरंग बली दिखाई दिए दिखाई दिए होंगे, हैं। ये यहाँ पर बजरंग बली हैं, और इस पर हम जो है रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई दिया, क्योंकि बिल्कुल रात के अंधेरे में रीडिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस समय रीडिंग करने में, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना शांति कितनी है, देखिए, ठीक है। और कार्ड समेटने के बाद ये कार्ड आया है, ठीक है। तो ये आपकी मंजिल है, आपकी डेस्टिनेशन ये है, समझ रहे हैं। इस चोटी पे आपको पहुंचना है, ठीक है, इस चोटी पे आपको पहुंचना है। भले प्रोसेस स्लो है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू यू ओनली, ठीक है। तो एक तरह से बजरंग बली यही बोल रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन पे आपको ये नहीं बोल रहे कि गिव अप कर दो, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो, लेकिन अपनी मंजिल से भटको मत बच्चा। आपको इस समय यही बोला जा रहा है, बजरंग बली यही बताना चाहते हैं कि अपनी मंजिल से भटको मत, क्योंकि आप इस चीज़ पे पहुंचने के लिए इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, कुछ लोगों से अनबन हो रही होगी, कुछ लोगों से बन रही है, बिगड़ रही है, जो भी हो रहा है, इट्स डिवाइन प्रोसेस। तो उस पर घबराना नहीं है, चलने दो, चलने दो। कुछ लोग इस समय के दौरान आपकी ज़िंदगी से आपको छोड़ कर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है, जाने दो। कुछ लोग हो सकता है पुराने लोग लौट कर आए, कोई बात नहीं, आने दो, सब कुछ समझ आएगा आपको, सब कुछ समझ आएगा। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपका इस समय ये करने का टाइम है, आप बस इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। कर्मा आपके बहुत बैलेंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वाइट बॉल इकट्ठे किए होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तभी बजरंग बली ने ये मैसेज देने के लिए प्रकट हुए हैं, हैं? एक यूनिकॉर्न मैसेज लेते हैं, रुकिएगा, ठीक है, इससे यूनिकॉर्न मैसेज ले रहे हैं। कौन सा कार्ड है, ये डेक है मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न। बजरंग बली आपको इससे क्या बताना चाहते हैं, हम एक कार्ड लेते हैं, ठीक है, मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न से बजरंग बली एक कार्ड दीजिए, जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चले कि क्या आउटकम है, क्या क्या है ऐसा जो आप एक एक कार्ड के माध्यम से इनको बताना चाहेंगे। बजरंग बली ने क्या बोला है आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, आप भी क्या क्या याद करेंगे, हम क्या बता रहे थे और क्या ही है। एंटर द मैजिक,
एंटर द मैजिक, वो कार्ड कहाँ गया, एंटर द मैजिक, इस पे जाना है आपको, यहाँ पहुँचना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंटर द मैजिक लिखा है, लिव इन द नाउ, सीज द मोमेंट, अभी के मोमेंट को जियो, ठीक है, और इस मोमेंट को ना रोक लो, सीज द मोमेंट मतलब कैप्चर कर लो कि ये वक्त लम्हा यहीं ठहर जाए, ठीक है। एक तरह से इसकी पोजीशन देखिए, आप कितना प्रोटेक्टेड है आपको दिखाई दे रहा है, और आप मेडिटेशन की मुद्रा में ही है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके की, ये देखिए ना ऐसे ही तो बैठे हैं आप, पैर फोल्ड करके हैं, कितने खुश हैं आप, देख रहे हैं सुकून, यहाँ पे भी मेंटल पीस कितना है, और यूनिकॉर्न ने आपको देखिए संभाला हुआ है एकदम, मतलब कितना बजरंगबली ने कितना प्रोटेक्ट करके रखा है, अपनी शील्ड में आपके अपने आगोश में आपको भरा हुआ है, तो आप काहे घबरा रहे हैं। अब आपको समझ आया। एक कार्ड हम सोर्ड ऑफ लाइट से ले लेते हैं, आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी है, बजरंगबली का कॉल आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि एक आर्कएंजल माइकल के सोर्ड ऑफ लाइट से भी एक कार्ड ले लेना चाहिए। आ गया है कार्ड, देखते हैं क्या आया है। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, हमने अभी आपको बोला ना, जिसको आना होगा आपकी ज़िंदगी में वो आएगा, कुछ लोगों को जाना होगा वो जाएगा, बट किंतु परंतु बजरंगबली क्या बता रहे हैं, योर लव्ड वंस आर सेफ, आप जिनसे प्यार करते हैं ना वो बिल्कुल सुरक्षित है, आपको उनके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जो भी आपके अंदर शंकाएं हैं ना, जो भी इनसिक्योरिटी है, अपने लव्ड वंस को लेके आप परेशान होते रहते होंगे, अगर किसी के लिए भी जिससे आप शायद प्यार करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी अगर आपके मन में कोई भी शंका या दुविधा है ना, तो वो कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग आफ्टर देम, वो उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो आर्कएंजल माइकल ने भी बोला है, कन्फर्मेशन दे दिया है कि वो सेफ हैं, आप इस समय बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ बॉदर कर रही है आपको, ये नहीं बोल रहे कि भाई उसको छोड़ दो, टॉक्सिक है, ये है वो है, नहीं, आपके जो भी लव्ड वंस है ना, जिनको आप दिल से चाहते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है। इस समय आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आपका मंजिल ये है, हायरोफेंट। बेहतरीन रीडिंग है, हमको बहुत खुशी हुई। और बजरंगबली ने और क्या क्या बोला है वो तो हम रीडिंग में बाद में जाके सुनेंगे, क्योंकि हमको याद नहीं है, हमको बस ऐसा लग रहा था कि कुछ आ रहा है, मैसेजेस आता रहा, हम बोलते रहे, लेकिन जब अब आएगा वीडियो आएगा उसके बाद ही हम देखेंगे, मतलब और बजरंगबली ने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड इज वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के है, आप लोग भी थोड़ा सा दे दीजिएगा, है। और बस यही बोलना था, बजरंगबली के मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान जी के मैसेजेस, जिसको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस हैं, एंजल, यूनिवर्स, ठीक है। तो सुप्रीम पावर एक होता है ना, एक चरम ऊपर जो शक्ति है, उस शक्ति की तरफ से आपको ये मैसेजेस डिलीवर हुए हैं, क्लेम कीजिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, तो इससे भागिए मत और इससे घबराइए मत, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, और अभी के लिए बस इतना ही, बाय।